नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय गौतम और आप देख रहे हैं कार केंद्र यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है पुरानी गाड़ियों से रिलेटिव। सो गाइज, आप देख सकते हैं आज मैं किस कार की बात करने वाला हूं। सो गाइज, आज हम बात करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो S9 कार के बारे में, जिसकी कंडीशन काफ़ी प्यारी है और मॉडल नंबर भी 2019 है। सो गाइज, अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं स्कॉर्पियो S9 कार को, बने रहें वीडियो के एंड तक। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बिना वक्त गवाए कार की एक्सटीरियर और इंटीरियर कंडीशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो की S9 कार के बारे में। अगर कार के रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो UP 14 नंबर रजिस्ट्रेशन ये कार आपको मिल जाएगी। साथ में अगर हम बात करें लोकेशन की, गाज़ियाबाद में आपको इस टाइम मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर हम बात करें कार की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो फ्रंट प्रोफाइल आप देख ही सकते हैं कार की। कार के हेडलाइट हो या फिर फॉग लैंप हो, आपको सब कुछ अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा, क्योंकि कार का मॉडल नंबर 2019 है। और रनिंग इसकी अगर बात करी जाए, चली हुई है मात्र 17,000 किलोमीटर। जी हाँ, 2019 के हिसाब से बहुत कम चली हुई है। अगर हम बात करें कार की साइड प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों आप कार की साइड प्रोफाइल एक बार खुद ही देख लीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गाइज, जिस कंडीशन में कार चमक रही है, मुझे नहीं लगता खुद को भी देख के अंदर से या बाहर से कि कार पुरानी हो। फ्रंट में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, साथ में फॉग लैंप मिल जाते हैं और आपको दो हेडलाइट मिल जाती हैं, जिसमें एक तो नॉर्मल है और दूसरी प्रोजेक्टर वाली होती है। साथ में अगर हम बात करें लेफ्ट वाले फॉग लैंप की, तो इसका जो बल्ब होता है काफ़ी हीटिंग पैदा करता है, तो उससे पिघला हुआ है अंदर से। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है कार में, A to Z अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें कार पे कार लोन फैसिलिटी की, तो इस कार पे आपको कार लोन फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाती है, फाइनेंस फैसिलिटी मिल जाती है। कार के टायर एक बार आप देख लीजिए, कार के चारों ही टायर की कंडीशन आपको बहुत प्यारी मिल जाती है। साथ में फ्रंट वाले टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और कार पे दोबारा डेंट पेंट तो भाई दूर तक सोचना भी मत, क्योंकि गाइस जिस कंडीशन में कार है शोरूम से ही निकली हुई लगती है। अगर बात की जाए साइड मिरर की, तो साइड मिरर आपको एकदम अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइस जब कार को बाहर निकाला जाता है या अंदर किया जाता है तो थोड़ी बहुत लग जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बात की जाए यहाँ पे, देखिए आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाती है, साथ में कार का जो कलर है वो बहुत प्यारी कंडीशन में मिल जाता है। चारों ही टायर की कंडीशन बिल्कुल लाजवाब आपको मिल जाती है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। साथ में दोस्तों, अगर बात करी जाए कार की बैक प्रोफाइल के बारे में, तो आप देख लीजिए बैक लाइट आपको अच्छी मिल जाती है, उसमें भी आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाती है। बैक में आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाती है, उसके नीचे S8 की बैजिंग मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और महिंद्रा की आपको बैजिंग मिल जाती है। सो गाइस, देख लीजिए आपको कार कितनी बढ़िया कंडीशन में मिल रही है। अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो S9 कार को, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। और गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कार पे कार लोन फैसिलिटी की। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कार पे कार लोन फैसिलिटी आपको मिल जाती है ऑल ओवर इंडिया। बेशक आप इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी ज़िले से क्यों ना हो, आप इस कार को कार लोन पे परचेस कर सकते हैं। एक बार क्रोम देख लीजिए कार की, काफ़ी प्यारी आपको मिल जाती है। S9 कार है यार, अंदर से देख लो एक बार, मैं फिर आपको दिखा दूंगा बिल्कुल ओपन करके। अंदर से कार की कंडीशन बिल्कुल प्यारी आपके लिए होने वाली है। सो फाइनली दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर की, और ड्राइवर वाली सीट से हम स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे आपको मिल जाती है क्रोम सिल्वर में, कार्बन फाइबर का आपको पैनल मिल जाता है, चारों विंडो आपको पावर मिल जाते हैं, यहाँ थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है, और फर्श पे आपको मैट मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अंदर जाके मैं आपको दिखाई देता हूँ। चारों ही विंडोज़ में आपको स्पीकर इंक्लूडेड मिलने वाले हैं। साथ में अगर बात की जाए स्टीयरिंग की, तो उस पर आपको एक कवर मिल जाता है और महिंद्रा का लोगो आपको साथ में मिल जाता है। बढ़िया, बिल्कुल चमचमाती हुई अंदर से कार। एक बार डैशबोर्ड देख लीजिए, रनिंग जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ बहुत कम चली हुई है यार ये, और आपको कार्बन फाइबर का मिल जाता है, थोड़ी बहुत इस पर फिनिशिंग आपको मिल जाती है, ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि दोस्तों ये 7-सीटर कार है। अगर 7-सीटर कार में अगर इतनी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा तो फिर क्या ही यार। आपको स्टीयरिंग में कॉल कट, कॉल रिसीव का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो का मोड मिल जाता है, मैनुअल का मोड मिल जाता है, कॉल के साथ में म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, और टच डिस्प्ले मिल जाती है, और उसमें आपको USB स्लॉट, चार्जिंग स्लॉट सब मिल जाता है। साथ में आर्म रेस्ट देख लीजिए, आपको दोनों ड्राइवर वाली जो सीट होती हैं उस पर दोनों पे आपको अपना अपना अलग आर्म रेस्ट मिल जाता है। साथ में अगर बात की जाए लाइट की, गाइस थोड़ा निकला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये निकल के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ स्पेस वगैरह होता है डॉक्यूमेंट रखने के लिए, थोड़ा बहुत अपना रख सकते हैं आप। सो गाइस, अगर बात की जाए कार के AC की, तो कार के AC रनिंग कंडीशन में आपको मिल जाएंगे।
जैसा कि आप देख ही सकते हैं कार कितनी बढ़िया अंदर से लग रही है। फर्श पे आपको मैट बिछी मिल जाती है और जो सीट कवर है आपको वही मिल जाते हैं जो कंपनी से आते हैं। साथ में 12 वोल्ट की जो बैटरी का ऑप्शन होता है वो आपको मिल जाता है, स्लॉट मिल जाता है, यूएसबी स्लॉट, चार्जिंग स्लॉट, सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाता है। चाहे कंट्रोल्स की बात की जाए, एसी के कंट्रोल हों या लाइट्स के कंट्रोल हों या फिर वाइपर के कंट्रोल हों या म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स, सब कुछ आपको जेन्युइन मिल जाता है, बिल्कुल स्मूथ चलता हुआ। साथ में गाइस अगर हम बात करें कार में स्पेस की तो देख सकते हैं आपको स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। स्कॉर्पियो में गाइस बताने की नीड नहीं है, यहाँ आप अपना डॉक्यूमेंट रख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज करके। बाकी अगर हम बात करें कार के बैक प्रोफाइल के बारे में या फिर पैसेंजर साइड वाली सीट की, तो पैसेंजर साइड वाली सीट भी आपको मिल जाती है। यहाँ आपको 12 वोल्ट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप चार्जर वगैरह लगा के मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बैक में भी आपको एसी मिल जाता है, बैक में थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है ओनर का। तो कोई नहीं गाइज, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि आपके लिए इतना तो बनता ही है भाई, यूट्यूब फैमिली हो आप। अगर मैं आपके लिए कार को अंदर से रिव्यू अच्छी तरह से नहीं दूंगा तो आप नाराज़ हो जाओगे, लेकिन गाइज मैं आपका अच्छे से ध्यान रखता हूँ, उसके बावजूद भी आप हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं और चैनल को तो सब्सक्राइब करना भूल ही चुके हैं। सो गाइज जाइए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन बेल दिख रही होगी उस पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि हमारी कोई भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। सो गाइज देख सकते हैं बारिश पड़ रही है, उसके बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर बात की जाए पैसेंजर साइड वाली सीट से, यहां आपको फिनिशिंग के साथ में मिल जाता है पावर विंडो का बटन। फाइनली बात की जाए कार के प्राइस के बारे में, तो आपको कार का प्राइस मिल जाता है काफ़ी कम, 14 लाख रुपए इसके नेगोशिएबल प्राइस है। जाइए ओनर से बात कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ओनर का नंबर मिल जाएगा, बार्गेनिंग करके परचेस कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।